सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल अपने हनीपा जी का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें हनीपा जी ने हिप हॉप के बारे में क्या बोला है, आप खुद सुन लीजिए। Would you like to tell our viewers about this culture and how it impacts the hip hop scene in India? That makes me laugh all the time when you watch that. You know what? Hip hop, what's the meaning of hip hop? Hip hop is a culture, how you live a life the way you want. It's not about music, it's not about rap. It's not about, and this culture has been started by black people in America. I'm also not a hip hop artist. मैंने भी ये नहीं कहूंगा कि मैंने हिप हॉप शुरू किया इंडिया में। मैंने एक्चुअली में इंडिया में अभी हिप हॉप शुरू ही नहीं हुआ। कोई ऐसा लड़का आए जो अपनी बात करे अपने तरीके से और रैप करे और सच्ची बात करे और अपनी गरीबी को ना बेचे और अपने बड़े सपनों को दिखाए और पूरा करे, बहुत कमी है। किसी को डिस ना करे, रैप बैटल में उसको अपने आप को साबित करने की जरूरत ना पड़े, वो होगा इंडिया का फर्स्ट हिप हॉप। इसके अलावा अपने हनीपा जी ने हनी 3.0 एल्बम के बारे में भी बात करी है। मतलब हनी 3.0 में एक भी शराब का गाना नहीं है, एक भी नशे के ऊपर गाना नहीं है, और ऐसा कुछ नया है जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें इतना प्यार है और रोमांस में डांस कराना बहुत मुश्किल काम है। तो इट्स अ रोमांस एंड डांस एल्बम एंड इट्स गोना बी क्रेजी, ट्रस्ट मी। हनी 3.0, कीप इट लॉक्ड एवरीबॉडी, CNN बेबी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।